गूगल एडसेंस में जब आप यूआरएल ऐड कर रहे हो तो आपके पास एक एरर आ रहा है, जिसके आप डिस्प्ले में देख रहे हो, यूअर यूआरएल कैन नॉट बी एडेड करके ऑप्शन आ रहा है। मतलब साइट्स पे अगर आप यूआरएल ऐड कर रहे हो तो ये ऑप्शन आ रहा है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है और इस एरर से कैसे आपको मतलब सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट खोल रखा है और मैं साइट्स पे क्लिक करता हूँ। साइट्स पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऊपर एड साइट का। एड साइट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ये यूआरएल ऑफ योर साइट मतलब मेरा यूआरएल डालने को बोल रहा है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमने न्यू ब्लॉग स्टार्ट करे हैं आप लोग के कहने पे, तो उसको भी पढ़िएगा और उस पर अपना प्यार दिखाइएगा। चलिए मैं अपने ब्लॉग का यूआरएल डाल देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्लॉग का अपने जो यूआरएल था उसको मैंने डाल दिया है। यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल दोस्तों वही होता है जो आपका नाम होता है, वेबसाइट होती है, उसी को हम यूआरएल कहते हैं। चलिए अभी मैंने अपना यूआरएल डाल दिया। डालने के बाद में मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ क्योंकि जो एरर आएगा वो नीचे ही आएगा तो आपको दिखेगा नहीं। नेक्स्ट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट करने के बाद अभी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है यूआरएल कैन नॉट बी एडेड एज ए साइट। तो अब ये क्यों आ रहा है इसको समझने के लिए आपको वीडियो को देखते रहिए एंड तक। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई सा भी एरर आता है किसी भी साइट पर, जरूरी नहीं है गूगल साइट पर आ रहा है, किसी भी साइट पर अगर आपको एरर आया तो आपको वहाँ पर एक हेल्प सेंटर मिलता है। देख सकते हैं नीड हेल्प के बाद में आपको देखिए हेल्प सेंटर लिखा हुआ है, आपको उसको जरूर पढ़ना है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी भी और यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे, तो आपको उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसके हेल्प सेंटर में जाके देख लेंगे। चलिए हेल्प सेंटर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये क्या रीजन देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रीजन मिल रखा है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो कहने का मतलब पूरा यह है, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने, इनका कहने का मतलब यह है कि कोरोना वायरस के चलते जो हमारे टीम मेंबर जो वर्क करते हैं वो अभी सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं और इसके चलते अभी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है जैसे ये कोरोना वायरस जो है ये हटेगा और उसके बाद में अपने आप ही ये उसको हटा देंगे और आप उसमें साइट्स को ऐड कर सकते हो। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा लिखा हुआ है, नीचे आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। तो ये कोरोना वायरस के चलते अभी ये प्रॉब्लम आ रही है यूआरएल ऐड ना होने की। तो जैसे कोरोना वायरस हट जाएगा या फिर जैसे ये बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हटेंगी और सारा प्रॉपर वर्क होएगा तो अपने आप आपका साइट पे आपका यूआरएल ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही में हमारे ब्लॉग पे जाके हमारे ब्लॉग्स पे भी अपना प्यार दिखाएं। और हमने एक और चैनल बनाया है उस पर भी जाके सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।